गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जी तो ठीक है, आज हम जो है शुरू करते हैं वही कंटिन्यू लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, लास्ट टर्म पे डिफरेंशियबिलिटी हमने, मतलब क्या डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, ये क्या हो जाती है, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। तो अगर इसका मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं एल एच डी और आर एच डी का, तो इस तरह आता है ये। देखो अगर ये कोई एक्सेस है, ये एक्सेस कितना है, एक्स एक्सेस, ये कितना है, वाई एक्सेस है, कितना है ये एक्सेस है, ये एक्सेस है, इस पे ये ए पॉइंट पे मान लीजिए, ये यहां से ए पॉइंट है, दैट इज टू द ए पॉइंट, इट इज ए दैट इज ये क्या आएगा, ये एफ ए, ये अगर एफ ए माइनस एच, ये क्या आएगा, एफ ए प्लस एच, ठीक है, दैट इज, इट इज ए फंक्शन ऑफ एफ एफ एट एफ इक्वल टू के, दैट इज प्रेजेंट एट द पॉइंट इट एफ ए एंड इट इज एफ माइनस ए एंड इट एफ ए प्लस एच, डेरिवेटिव इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये यहाँ एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये बताया था, ये बताया था मैंने, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ अपॉन एच, ये बताया था। इसकी जो है ये दोनों एल एच डी और आर एच डी निकाल देते हैं, इसको बोलते थे क्या एफ डैश ए प्लस, इसको बोलते थे क्या एफ डैश ए माइनस, ठीक, ये चेक कर लेते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो कहते थे दैट इज द फंक्शन इज टू द डिफरेंशियबल एट द गिवन पॉइंट। ठीक, अब डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के बीच क्या रिलेशन होती है, रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, क्या लेट ए फंक्शन, लेट ए फंक्शन एफ, ए लेट ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल, लेट ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशियबल एट एनी पॉइंट, कोई एक फंक्शन है वो डिफरेंशियबल है एट एनी पॉइंट, इट इज नेसेसरी कंटिन्यू, इट इज नेसेसरी शुड बी कंटिन्यूअस, इट इज नेसेसरी शुड बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट बट कन्वर्ट नॉट बट कन्वर्ट नॉट नेसेसरी टू डू बट नॉट कैसे कन्वर्ट बट कन्वर्ट नॉट नेसेसरी टू डू,
इसका ये नेसेसरी क्यों नहीं है, और यही यही कह सकते हैं वी कैन से ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एवरी देन इट शुड बी इंप्लाइड एट ए पॉइंट एक्स एट अ पॉइंट x is equal to a, then you can select that function f x will be 20 minutes, will be 20 minutes at x is equal to a. If there is a function f x, which is differentiable at this point, pe, a point, pe, then f x will be to the continuous. If there is a function differentiable at this given point, then the function continuous will be at x is equal to a. That is, a function is differentiable at any point where it is necessary should be continuous at that point, but is convert not necessary. Any other function differentiable hai, so it must be continuous, but it convert, if a function is continuous, then it should not be a differential. If hum graph se bhi samajh sakte hain, if hum kya graph samajh sakte hain, graph se bhi samajh sakte hain, yani जैसे मान लिया देखो ये भी फंक्शन है, ए ए ये फंक्शन है, इसमें क्या फर्क रहा है, कंटिन्यूअस लगातार पैर उठाए चल रहा है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस भी है और क्या है डिफरेंशियस भी है, क्या कंटिन्यूअस भी है, यही ये है यूसी मार्जिन, ये की क्या है, ये की टेंजेंट है, ये की क्या है टेंजेंट है, ये की क्या है, इसकी ये फंक्शन है, तो फंक्शन यह इसमें क्या है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल दोनों होगा, इसमें क्या होगा कंटिन्यूस भी होगा और इसमें डिफरेंशियल भी होगा, अगर कोई इस तरह का फंक्शन हो ये कंटिन्यूस से है, उसके आगे कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशियबल, इसमें टेंजेंट तो ये आ जाएगी, तुम्हें इसमें टेंजेंट कहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी, क्योंकि जहां कॉर्नर पे जहां स्लोप पे जहां सरने दिया है ये, तो इस ये कि जहां भी स्लोप पे है वहां क्या आएगा, स्लोप पे डिफरेंशियबल नहीं होता, स्लोप पे डिफरेंशियबल नहीं होता, जैसे y इक्वल टू x मोड का करना है ये इसका क्या आ जाएगा, y इक्वल टू x मोड क्या आ जाएगा, y इक्वल टू x मोड का करना है क्या आ जाएगा, ये एक्स वाई वाई डैश एच डैश जीरो, ये एक्स ये जीरो, ये वाई ये एक्स ये जीरो, ये वाई, ये जैसे फंक्शन है, इस फंक्शन में देखो ये बगैर हाथ उठाए तो बन रहा है, इस फंक्शन पे ये जो है कंटिन्यूस तो है ग्राफ पे, लेकिन क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर कोई ऐसा 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 कोई कर्व बनना है कोई, जैसे
नॉट कंटिन्यू एंड नॉट डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन में क्या हो जाएगा, ये नॉट नॉट कंटिन्यू एंड नॉट भाई ये अच्छा। अब इस ग्राफ से क्या बताएगा कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा वो डिफरेंशियबल हो सकता है, ये जो डिफरेंशियल होगा कंटिन्यूअस भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या पता लगा था, फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशियबल नहीं है। तीसरा और हो गया, अगर न तो कंटिन्यूस हो सकता न ही डिफरेंशियबल। तीन ही तरह के ग्राफ होते हैं इसमें, पहले क्या होता है कि एक फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशियबल भी है, ये इस तरह का है। अच्छा दूसरा फंक्शन क्या होता है कि यह जो है कंटिन्यूस भी है और माने ये ए पॉइंट पे है, ये ए पॉइंट पे है। दूसरा क्या फंक्शन हो गया, कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशियबल, जहां भी कोण रहेगा शार्पली कोण रहेगा ये कोण रहेगा वहां किस पॉइंट पे हमेशा फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता। ठीक कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस किसे चेक करते हैं, देखो सीधी बगैर बिना हाथ उठाए अगर ग्राफ बन रहा है तो दैट इज फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये सीधा से चेक करते हैं। जैसे सेम इट इज द फर्स्ट फिगर इज शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, सेकेंड कंटिन्यू सेकेंड ये तो फर्स्ट फिगर होगी, ये सेकेंड फिगर शो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशियबल, एंड थर्ड इज शो नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशियबल, इट इज द ग्राफ। क्लियर? अच्छा भाई यहां से बात समझ आ गई, तो डिस्कस कुछ सम स्टैंडर्ड दैट होते हैं फंक्शन डिफरेंशियबल के, सम स्टैंडर्ड फंक्शन और क्या स्पीच जीवन कुछ खास फंक्शन होते हैं डेरिवेटिव, जैसे पहला है यहां तो फंक्शन है, यहां तो हमारे फंक्शन है ये ऐसा, इस पे ये फंक्शन है डिफरेंशियबल है, ये फंक्शन क्या है डिफरेंशियबल है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन जो है डिफरेंशियबल है, ये फंक्शन डिफरेंशियबल है, डिफरेंशियबल है एट ए गिवन पॉइंट, ये गिवन पॉइंट में ये फंक्शन जो है ऑन इंटरवल, किस इंटरवल पे ये डिफरेंशियबल है, किस इंटरवल पे ये डिफरेंशियबल है, जैसे एक होता है पॉलीनोमियल, एक क्या है पॉलीनोमियल, एक क्या होता है पॉलीनोमियल, इसको होता है फाइनल इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पॉलीनोमियल किसको होता है पॉलीनोमियल किसको होता है भैया, पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पॉलीनोमियल किसको होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है, पॉलीनोमियल किसको होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है, कोई पॉलीनोमियल एक है एक्सपोनेंशियल है,
एक्सपोनेंशियल एक्स यानी एक पावर एक्स ये क्या आएगा माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, ये भी क्या आता है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, एक है लोग अगर लोग लोगोमेट्रिक किसको होता है ईच पॉइंट इन इट डोमेन, ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन, ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहाँ होता है ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन, ये कहाँ होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन, ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन ये मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल लोगरिथम एक्सपोनेंशियल एक होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है ईच पॉइंट इन इन इट्स और फोर्थ पॉइंट कहाँ होता है एक होता है छठा माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, ये सब स्टैंडर्ड गैस हैं ये सब स्टैंडर्ड गैस हैं, कैसे स्टैंडर्ड गैस हैं इसके जैसे यो ये फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा इंटरवल पे माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी और एक्सपोनेंशियल पे क्या होगा माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, लॉगरिथम पे क्या होगा ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन, ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक में भी क्या होगा ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होगा ईच पॉइंट इन डोमेन, यानी कि ये तीनों यानी लोगरिथम ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स इन तीनों में तो ईच पॉइंट इन डोमेन को जाएगा और जो बचे हैं पॉलीनोमियल एक्सपोनेंशियल और कोस्टेंट में ये माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी होगा, इसका क्या माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी इस पे क्या हो जाएगा ये डेरिवेशन डेरिवेटिव हो जाएगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा ठीक है भाई सही बात है अब देखो अभी क्वेश्चन लगाते हैं इस पे वो बताया था उसको यह कंटिन्यूस फंक्शन और डिफरेंशिएबल फंक्शन को भी बताया था कहाँ कंटिन्यूस होता है स्टैंडर्ड किसका ही है बताया मैंने कहाँ होता है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल ठीक अब एक क्वेश्चन है देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस
minus 1 by root mod x plus 1 by x square minus 1 by root x plus x exponential for each equal to 0, x equal to 0. X equal to 0. कि चेक डिफरेंशिएबिलिटी इसे क्या करनी है, चेक करनी है, क्या करनी है कि चेक डिफरेंशिएबिलिटी की, चेक करनी है कि डिफरेंशिएबिलिटी की चेक करनी है क्या है डिफरेंशिएबिलिटी अब देखो ये मोड है, क्या है मोड है, इसके दो फंक्शन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर अच्छा, अगर देखो ये मोड एक्स की दो कंडीशन होंगी, या तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और क्या होगा, या एक्स इज लेस देन जीरो, दो दो की होंगी, क्या होंगी, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो या एक्स इज लेस देन जीरो, तो दो की क्या होंगी, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस अच्छा, अब अगर ये एक्स यहां क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और ये जगह एक्स इज लेस देन जीरो, दो कंडीशन हो जाएंगी, चाहेंगे एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और एक्स इज लेस देन जीरो, तो अगर एक्स इज क्या आएगा, एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स की लेस देन की क्या आ जाएगी, एक्स ई की पावर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये आ जाएगी ई की पावर क्या आएगी, माइनस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये और ये बाहर है, ये बाहर है, ये ई की पावर में लिख दिया इसको एक्सपोनेंशियल से, ये बाहर आई है, अगर x की x इज ग्रेटर देन जीरो, x इज ग्रेटर देन जीरो क्या आ जाएगी, e की पावर ये आ जाएगी वन अपॉन x प्लस x, वन प्लस x अपॉन x माइनस, ये आ जाएगी e की पावर माइनस के वन अपॉन x प्लस x, इसको और सोल्व कर देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ मैं, और सोल्व कर देता हूँ, क्या आ जाएगी सोल्व करके, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ये एक्स तो इक्वल टू ये आएगा ई की पावर माइनस, ये क्या आएगा, एक्स वन अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स ई की पावर माइनस वन अपॉन टू एक्स, ये फंक्शन हो गया, ये क्या आ गया, ई की पावर अच्छा ई की पावर क्या आएगा, माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्या आएगा, ई की पावर क्या आएगा, जीरो, और किसी भी चीज की जीरो है इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है, एक्स जो है जीरो पहुंचेगा, और फंक्शन की जीरो वैल्यू दे रखी, जीरो वैल्यू दे रखी, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये फंक्शन है, क्या है ये फंक्शन आ गया, अब ये फंक्शन हो गया मेरे, क्या फंक्शन हो गया, ये एफ एक्स एक्स ई की पावर वन अपॉन एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो अच्छा, और ये क्या आ गई, एक्स ई की पावर माइनस वन अपॉन टू एक्स एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स एक्स लेस देन जीरो, जीरो कब आ गई, अगर एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए पहले क्या निकालते हो, एल एच डी, ठीक है, निकालता हूँ आर एच डी, एल एच डी क्या आ जाएगी, एफ डैश जीरो एल एच डी क्या निकाल लिया यहां से, एल एच डी एफ डैश जीरो प्लस एफ एल एच डी मतलब क्या निकाल लो, एफ डैश जीरो
will have any limit as tends to zero f zero plus h f zero plus h minus f zero upon h. ये है limit h tends to zero f zero plus h minus के f zero upon h. जब ये left हाँ क्या आगे left LHD क्या आगे f dash zero plus limit h tends to zero f zero plus h minus upon h. ठीक है ये आर एच डी होगा. अच्छा जब जीरो से प्लस में जाएगा, जीरो से प्लस की वैल्यू कौन सी है इसमें, ये वैल्यू होगी, ये क्या होगी जीरो प्लस एच ई की पावर माइनस टू प्लस वन प्लस एच. क्या आ जाएगी ये क्या आ जाएगी एच क्या आएगी जीरो प्लस एच जीरो प्लस एच जीरो प्लस एच ई की पावर माइनस वन अपॉन टू एच प्लस जीरो अपॉन माइनस एफ जीरो एफ जीरो की वैल्यू जीरो रहेगी अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू जीरो. ये जीरो हो गया ये एच ई की पावर माइनस टू वन अपॉन एच एच के एच कट जाएगी क्या आएगी ई की पावर माइनस वन बाई टू एच क्या आएगी ई की पावर माइनस वन बाई टू एच क्या आएगी अब ई की पावर लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर माइनस वन अपॉन टू एच और ई की पावर माइनस एच की वैल्यू जीरो रखूंगा तो क्या आएगी ई की पावर इन्फिनिटी क्या आएगी ई की पावर क्या आएगी अब माइनस के इन्फिनिटी आएगी और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की तरफ कन्वर्ट होगी क्या आ जाती है जीरो. अब इसी तरह क्या निकालते हो मैं एल एच डी एल एच डी क्या आएगी एफ डैश जीरो माइनस लिमिट एच टेंस टू जीरो लिमिट क्या आएगी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो फोन माइनस एच एफ जीरो माइनस एच की वैल्यू एफ जीरो एच से छोटा क्या आएगी जीरो माइनस एच क्या आएगी यहां से एच की वैल्यू क्या आएगी जीरो माइनस एच अपॉन जीरो क्या जाएगी यहाँ जीरो माइनस एच माइनस जीरो अपॉन माइनस एच इक्वल टू माइनस एच अपॉन एच माइनस एच इक्वल टू वन इसकी वैल्यू क्या आ गई वन. देखो भाई इसमें आर एच डी की राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई जीरो आ गई और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई क्या आ गई वन आ गई दैट इज एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी दैट इज क्या आ गया एल एच डी एन एच डी is not equal to R and C. The function is not differentiable. That the function is not differentiable. देखो भाई क्या है ये function था कि f x equal to x exponential minus one plus x one mod x plus k one by x ये function था भाई अब ठीक है ये function था भैया और इसकी value कितनी आ गई है ये जीरो आ गई कितनी वैल्यू आ गई है ये जीरो है एक्स इक्वल टू जीरो पे. अब क्या करा मैंने अब ये जो मोड है मोड की दो कंडीशन होंगी या तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा या एक्स इज लेस देन जीरो होगा. जब ये एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो मोड एक्स क्या इक्वल हो जाएगा एक्स ये रखा होगा कौन एक्स प्लस एक्स और जब एक्स इज लेस देन क्या होगा माइनस मतलब ये क्या आ जाएगा माइनस ये बाहर दोनों के माइनस से ही रहा है. अच्छा अब ये क्या आएगा इसको फिर से एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स वन अपॉन लेफ्ट क्या आ गया ई की पावर वन बाई टू एक्स क्या एक्स ग्रेटर देन जीरो माइनस एक्स वन प्लस एक्स क्या आ गया ई की पावर जीरो जी भी चीज की वैल्यू जीरो होती है क्या होता है वन होता है ये क्या आगे फंक्शन की वैल्यू क्या एक्स और इस फंक्शन पे जीवन पे एक्स इक्वल टू जीरो ये जीरो है ही ये जीरो ही. अब मैं क्या करता हूँ इस फंक्शन पे चेक करता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी जीरो पे चेक करनी है कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशियबल है नहीं. डिफरेंशियबल चेक करने के लिए क्या निकाल लेता हूँ पहले मैं एल एच डी निकाल लेता हूँ क्या निकाल लेता हूँ इसकी आर एच डी फिर क्या निकाल लेता हूँ एल एच डी आर एच डी क्या आ जाएगा एफ चेंज टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस जीरो एच इक्वल टू
ये आ जाएगी। अच्छा एफ जीरो प्लस एच एफ एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन बड़ा है तो इसकी वैल्यू ये रख दूंगा यहां से, ये जीरो प्लस एच ई पावर माइनस टू एच, तो क्या आ जाएगा एच, ये तो जीरो हो गई इस फंक्शन की, एफ जीरो की वैल्यू तो जीरो रख दूंगा भैया, ये जीरो प्लस एच एच से एच चले जाएगा क्या ई की पावर माइनस टू बाई एच, एच की वैल्यू जीरो रखते हूँ वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो की वैल्यू कितनी होती है भैया इनफिनिटी, पहले से होते हैं तो ई की पावर माइनस इनफिनिटी इक्वल टू क्या आता है ई जब है माइनस इनफिनिटी जब कन्वर्ज हो रहा है तो जीरो आ जाएगी। ठीक इसी तरह एल एच डी की वैल्यू ऑफ जीरो क्या आएगी एच एच टू जीरो एफ जीरो माइनस एच एफ जीरो माइनस एच एफ जीरो माइनस एच की वैल्यू क्या जी एच ई है एफ इज लेस देन जीरो माइनस एच माइनस जीरो अपॉन माइनस एच, तो जीरो माइनस जीरो ये कुछ नहीं तो माइनस एच अपॉन एच कितना हो गया फाइव, तो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच। ठीक है आगे बढ़े, और डिस्टर क्वेश्चन एक बोल एक और क्वेश्चन भैया, देखो क्या है क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स मोर वन माइनस एक्स मोर देन द पॉइंट वेयर देन द पॉइंट देन द पॉइंट वेयर then the point where f sin inverse fx is non-differentiable sin inverse x sin inverse fx is non differentiable here fx is equal to 1 minus x is the point where sin inverse f mod x is the non differentiable चलिए इसकी आंसर है जीरो वन, पहला आंसर है इसके जीरो वन जीरो वन, फिर दूसरा आंसर है इसका जीरो माइनस वन, फिर थर्ड है जीरो वन माइनस वन, ठीक है जीरो वन माइनस वन, फिर क्या है यूनियन ऑफ डी एस, ये वन है ये सेकेंड है ये थर्ड है ये क्या है फोर्थ है। देखो ये क्या है, एक ये फंक्शन है, ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स देन द पॉइंट वेयर द नॉन डिफरेंशियबल ये साइन इनवर्स एफ मोड एक्स ये क्या है नॉन डिफरेंशियबल है, क्या क्या पता करना है कि नॉन डिफरेंशियबल है। देखो ये फंक्शन दिया हुआ है मुझे एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस रूट एक्स, क्या है एफ एक्स इक्वल टू मोड वन माइनस मोड एक्स, इसका मोड ये दे रखा एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है वन माइनस मोड एक्स इक्वल टू, अच्छा भाई इक्वल टू क्या आ जाता है ये
वन माइनस मोड एफ, इसकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी है? देखो भाई यहां भी एक्स को मैं जो है ब्रेक कर सकता हूं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है यहां, एक्स इज ग्रेटर देन वन, क्या रखी है एक्स इज ग्रेटर देन वन, और एक्स की वैल्यू कहां रखती है, जीरो से जीरो और वन के बीच भी आ सकती है, जीरो और वन के एक्स की वैल्यू कहां से होती है, वन भी हो सकती है, बड़े जीरो से वन और माइनस वन टू माइनस वन टू जीरो भी हो सकती है, माइनस वन टू जीरो भी हो सकती है, और एक्स इज लेस देन वन, ये चार कंडीशन होगी, क्या होगी ये चार कंडीशन होगी, क्या एक्स इज लेस देन माइनस वन से जीरो, और जीरो से वन, और एक्स इज ग्रेटर देन वन, ये एक्स की वैल्यू वन टू माइनस वन होगी, एक्स की वैल्यू कहाँ आ गई फंक्शन में, कहाँ गई है माइनस वन से वन तक हुई, ठीक है, इसके यहाँ ज्यादा करेंगे ब्रैकेट में लिखो यार, ठीक। अच्छा अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी, ग्रेटर देन वन होगी तो क्या आ जाएगा, तो x माइनस वन आ जाएगा, तो x पॉजिटिव जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये x माइनस वन। अगर x की वैल्यू जीरो से वन के बीच रहेगी, जीरो से वन के बीच रहेगी, तो क्या आएगा ये वन माइनस एक्स, जीरो और वन के बीच वन माइनस एक्स। अच्छा अगर x की वैल्यू माइनस वन और जीरो के बीच रहेगी, x की वैल्यू क्या है माइनस वन और जीरो के बीच रहेगी, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस x, क्या आ जाएगा माइनस x आ जाएगा, क्या आ जाएगा वन प्लस x। और अगर x की वैल्यू लेस देन माइनस वन रहेगी, x की वैल्यू क्या रहेगी लेस देन माइनस वन रहेगी, तो क्या आएगा माइनस x माइनस वन, क्या आएगी माइनस x माइनस वन, क्या आ जाएगी बाहर माइनस आएगा माइनस एक्स माइनस वन आ जाएगी, क्या आ जाएगा माइनस एक्स माइनस। अच्छा हम मुझे फंक्शन निकालना है ये वाला, क्या फंक्शन है साइन इनवर्स एफ मोड एक्स, ये वाला फंक्शन निकालना है कि डिफरेंशिएबल, ये निकालना है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाइन करेगा, ये शर्त है लाइन माइनस वन टू वन, यानी कि साइन की वैल्यू, साइन इनवर्स की वैल्यू कहां से होगी माइनस वन टू वन एफ एक्स हो जाएगी, क्या जाएगी वन टू वन, अच्छा और एक गिवन है पॉइंट, ये वन माइनस एक्स है, क्या है वन माइनस एक्स है, ये क्या है वन माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ये दिया हुआ है वन माइनस एक्स मोर, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा लेस देन कहां से रहेगा, हमेशा कहां से रहेगा इक्वल होगा माइनस लेस देन वन, लेस देन और इक्वल टू वन के रहेगा, लेस देन और इक्वल टू माइनस वन के रहेगा, इसे इधर ले आया तो क्या आएगा जब एक्स से बड़ा तो क्या आ जाएगा ये वन माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा ये वन माइनस एक्स क्या आ जाएगा ये जब लेस देन वन है, जब लेस देन वन है ये यहां पे आ जाएगा इंप्लाइज दैट एक्स इज, एक्स इज लेस देन माइनस टू, ये आ जाएगा माइनस माइनस वन माइनस टू वन, क्या आएगा वन माइनस एक्स क्या आएगा वन माइनस एक्स ही रहेगा, क्या रहेगा ये वन माइनस एक्स ही रहेगा, ये एक्स क्या आएगा वन माइनस एक्स एक्स ही रहेगा, ये वन माइनस एक्स ही नहीं आएगा, क्या आएगा एक्स माइनस वन आ जाएगा जी, एक्स की वैल्यू जब ये है ये आ जाएगी लेस देन वन है, तो ये क्या आएगा इधर आ गई माइनस वन एक्स माइनस माइनस से दोनों मिनट क्या आएगा एक्स माइनस टू एक्स माइनस, बल्कि इधर चेंज हो जाएगी, इधर आ जाएगी इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्या एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू, ये हो जाएगा ना ये क्या आएगा ये क्या आएगा माइनस वन माइनस एक्स इज लेस देन वन, ये क्या आएगा माइनस एक्स लेस देन वन प्लस वन माइनस एक्स इज लेस देन
2 और माइनस एक्स इज लेस देन ए इक्वल्स ये एक्स इज इक्वल टू ये आ गई एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस टू और अब इसकी साइन इनवर्स एक्स की जो है कहां से कहां तक लाइज कर रहा है माइनस वन टू वन कर रहा है और इसकी वैल्यू क्या आ गई वन माइनस मोड एक्स क्या आ गई है माइनस वन तो इसकी वैल्यू क्या आ गई वन माइनस एक्स वन माइनस मोड एक्स की वैल्यू ये आ गई बस ठीक है इधर जाऊंगा मैं क्या आ गया माइनस वन वन माइनस वन ये क्या आ गया माइनस टू इज इक्वल मोड एक्स माइनस मोड एक्स इज लेस देन जीरो यहां से बात ना आ गई अब माइनस से दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्या आ गई टू इससे क्या आ गई साइन एक्स की वैल्यू यहां क्या आ गई है ये माइनस टू तो यहां से वैल्यू क्या आ गई माइनस टू आ गई यहां से वैल्यू क्या आ गई है माइनस टू आ गई और यहां से वैल्यू क्या आ गई यहां से वैल्यू क्या आ गई माइनस टू आ गई इसकी वैल्यू और यहां से वैल्यू क्या आ गई है यहां से वैल्यू क्या आ गई है यहां से आएगी वैल्यू टू क्योंकि यहां से वैल्यू क्या टू आ गई यहां से वैल्यू क्या आ गई इसकी टू आ गई तो साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक जो करेगा साइन इनवर्स ये फंक्शन यानी कि साइन इनवर्स एफ मोड एक्स ये बिलोंग्स टू कहां से कहां तक बिलोंग्स करेगा ये फोर एक्स फोर फोर x belongs to minus 2 2 क्या कहां तक आ गई माइनस टू टू माइनस टू टू इज नॉट डिफरेंशियबल इज नॉट डिफरेंशियबल इज नॉट डिफरेंशियबल इस पे तो जो हो गया डिफरेंशियबल हो गए यानी माइनस टू पे इज नॉट डिफरेंशियबल इस पे डिफरेंशियबल नहीं होना वो जो माइनस टू और टू के बीच है माइनस टू और टू माइनस टू और टू के बीच क्या किया जाएगा जब ही आएगा माइनस टू और माइनस टू और टू के बीच टू जीरो वन टू क्या माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू क्या जाएगा माइनस टू माइनस वन जीरो टू क्या जाएगा तो क्या फंक्शन हो गया ये जो साइन इनवर्स है मोड है इस पे तो यार डिफरेंशियबल होगा बट नॉट डिफरेंशियबल एच एक्स इक्वल टू क्या नॉट डिफरेंशियबल किस पर डिफरेंशियबल नहीं होना माइनस वन जीरो वन कौन सा आंसर है इसमें इस पे ये वाला हो क्या फंक्शन है देखो भैया ये कोई फंक्शन था एफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स इस तरह फंक्शन था द पॉइंट वेयर द साइन इनवर्स एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशियबल वो फंक्शन भी पता है कि ये फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशियबल ये चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें क्या करना है भाई एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस मोड एक्स एफ एक्स क्या है वन माइनस एक्स मोड वन माइनस के एक्स अच्छा ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू माइनस के वन एक्स अच्छा अब ये फंक्शन है वन माइनस के एक्स है वन माइनस के एक्स वाला फंक्शन है ये एच एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स ये वाला फंक्शन ये अच्छा अब इसकी वैल्यू क्या निकालते हैं अब इसकी वैल्यू हमने क्या कहा कि इसकी जो है इसकी वैल्यू
वैल्यू क्या, हमने क्या करा कि ये वैल्यू जो है इन, अच्छा अब ये इसको खोल लिया मैंने, क्या कर लिया ये क्या कर लिया मैंने, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, वन माइनस एक्स, क्या है वन माइनस मोड एफ, क्या है एफ एक्स इक्वल टू क्या है, वन माइनस मोड एफ, क्या है वन माइनस एक्स मोड एक्स। अच्छा अब इसको क्या करा मैंने, सो ये फंक्शन जो है ये खोली क्या रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन क्या रहा है, वन पे ये वैल्यू आ रही है, एक्स एक्स पे क्या आ रही है, ये क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0 to 1, यानी माइनस वन से 0 और 0 से 1 और 1 से 11, 1 से ग्रेटर देन, ये फंक्शन जो है मैंने इसको ब्रेक कर लिया। इस ब्रेक पे क्या करा मैंने, एक्स इज लेस देन माइनस वन होगा, एक्स इज लेस देन माइनस वन होगा, तो ये क्या फंक्शन आ जाएगा, ये सारे हो गए, तो क्या आ जाएगा ये माइनस एक्स माइनस वन, ये क्या आ जाएगा वन प्लस एक्स, क्या आ जाएगा ये वन प्लस एक्स आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा ये वन प्लस एक्स आ जाएगा, ये ठीक वन प्लस एक्स आ जाएगा, ये और ये क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन आ जाएगा जब एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन वन है। अच्छा ये फंक्शन है, ये गिवन है, ये डिफरेंशियल है, मान लीजिए ग्रेटर देन लेस देन वन होगा इसकी वैल्यू, तो ये यहाँ से क्या आ गई, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू आ गई इसकी वैल्यू, इसका करते करते क्या आ गई इसकी वैल्यू टू आ जाएगी। अच्छा अब इस फंक्शन की ये, अब इस फंक्शन की देख लेते हैं कि ये फंक्शन जो है ये है साइन इनवर्स एफ एक्स, ये साइन इनवर्स कहाँ तक लाई करता है, ये करता है माइनस वन टू वन। अच्छा अब साइन इनवर्स एफ एक्स कहने के बराबर है, ये फंक्शन है ये वन माइनस एक्स, ये आ गया, इसको सोल्व करते करते क्या आ गए टू टू सी आ गई, यहाँ पे क्या आ गई एक्स इज, एक्स इज क्या है माइनस टू 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 पे, तो क्या आ गया डिफरेंशियल हो गया, और इसके कितने बीच में बचे, क्या बचे माइनस टू और टू, माइनस टू माइनस वन 0 1 और टू, इनके बीच से जितने 3 पॉइंट बचे, इसका क्या आ जाएगा ये डिफरेंशियल, इसके यार नॉन डिफरेंशियल हो जाएगा इस पॉइंट पे, और एक्स इक्वल टू माइनस टू टू पे ये डिफरेंशियल रहेगा। आगे बढ़े भाई, लेट जी एक्स इक्वल टू, लेट जी एक्स इक्वल टू लोग एफ एक्स, जी एक्स इक्वल टू लोग एफ एक्स, वेयर एफ एक्स इज वेयर एफ एक्स इज वेयर एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशियबल फॉर द टू फंक्शन, वेयर एफ एक्स इज ट्वाइस ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन, क्या है लेट जी एक्स इक्वल टू दो, लेट जी एक्स इक्वल टू दो एफ एक्स, वेयर एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशियबल पॉजिटिव फंक्शन, पॉजिटिव फंक्शन ऑन 0 to ∞, ऑन 0 to ∞ एट एफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ एक्स, एफ एक्स देन फॉर then for n equal to 1 2 3 4 and so on, ये यहाँ पर ना पॉजिटिव, ये पॉजिटिव फंक्शन है, 1 n equal to 1 2 3 4, इसकी वैल्यू निकाल ली है g double dash
ये डबल डेरिवेटिव एन प्लस हाफ माइनस जी डबल हाफ जी डबल डेरिवेटिव हाफ इज इक्वल टू इसकी वैल्यू निकालने ये कहेंगे इक्वल होगा, ये कहेंगे इक्वल होगा। देखो भाई ये जी एफ इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज ए ट्वाइस डिफरेंशियबल पॉजिटिव फंक्शन है ऑन 0 टू इनफिनिटी पे एट एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू क्या है एफ एफ एक्स देन फॉर एन इज इक्वल टू इतने नंबर है तो जी एन प्लस टू जी डैश जी डबल डेरिवेटिव एन प्लस टू और जी इसकी वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है इसकी भैया वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू किससे निकलती है भैया अब मुझे दे रखा है फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स, ये फंक्शन दे रखा है, क्या फंक्शन दे रखा है मुझे जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स, ये फंक्शन दे रखा है। अब इसमें क्या कर लेता हूं मैं दोनों तरफ का लॉग ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं लॉग दोनों तरफ का लॉग लेके क्या आ जाएगा ये एफ एक्स इज इक्वल टू ये क्या आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल में लिखिए ई की पावर जी एक्स, एक्सपोनेंशियल में लिख सकता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर जी एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स है तो इसको एक्सपोनेंशियल में क्या लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर जी लॉग एक्स और एफ एक्स प्लस वन क्या इक्वल है एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा ई जी की पावर एक्स प्लस वन, क्या जाएगा यहाँ पे एफ एक्स प्लस वन क्या जाएगा ई की पावर जी एफ एक्स प्लस वन, क्या जाएगा ई की पावर जी एक्स प्लस वन और एफ एक्स प्लस वन की वैल्यू दे रखी है एफ एक्स एक्स क्या एफ एफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू क्या ई की पावर पावर जी एक्स प्लस वन एक्स एफ एक्स इक्वल टू क्या गया ई जी की पावर एक्स प्लस वन। अच्छा अब से इधर लिख लेता हूं मैं, क्या लिख लेता हूं मैं क्या आ गया ये क्या आ गया एफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर जी एक्स प्लस वन ही आ गया। अब क्या करता हूं दोनों तरफ का मैं क्या ले लेता हूं लॉग ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्या आएगा लॉग एफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ई की पावर जी एक्स प्लस वन, ये हो गया क्या लॉग एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन क्या होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, फिर फॉर्म लगा दिया क्या आ गया लॉग एक्स प्लस लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू ये क्या आ गया जी एक्स प्लस वन। ये क्या आ गया लॉग एक्स प्लस लॉग एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस वन, ठीक है भैया। अब इसको क्या कर दिया मैंने जी एक्स प्लस वन और फिर जी एक्स को इधर लिया क्या आएगा जी एक्स प्लस वन माइनस जी एक्स इक्वल टू लॉग एफ एक्स, इसको इधर लिया क्या आ गया जी एक्स प्लस वन, क्या जी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जी एक्स प्लस वन माइनस लोग माइनस के लोग एक्स, ये लोग एक्स माइनस जी एक्स प्लस वन माइनस लोग एक्स इज इक्वल टू क्या गया लोग एफ एक्स लोग एफ एक्स, क्या गए अब मान लिया कहीं जरूरत पड़ेगी ये एक इक्वेशन हो गई ये होगी इसकी कहीं मैं इसकी जरूरत पढ़ लूंगा अगर कहीं जरूरत पड़ी इसको मैं इस्तेमाल कर लूंगा। अच्छा साधारण
ये हमने x को n प्लस हाफ पे रिप्लेस कर देते हैं, x को यहाँ पे रिप्लेस करा n प्लस हाफ पे, x को यहाँ पे रिप्लेस करा n प्लस हाफ पे, यहाँ की वैल्यू चाहती है, अभी ये चाहती है x को मैंने g यहाँ पे रिप्लेस करा n प्लस हाफ पे, लेकिन ये रिप्लेस क्योंकि n प्लस की जाता है ना, ये हाफ जाता है तो जी एन को रिप्लेस अच्छा जी एफ की वैल्यू क्या है यहाँ से, यहाँ से जी एक्स की वैल्यू क्या है, गिवन है जी एक्स इक्वल टू लोग एफ एक्स, जी एक्स की वैल्यू क्या है, लोग एफ एक्स है जी एक्स की वैल्यू, एक्स एफ एक्स इक्वल टू ई पावर जी लोग एक्स तो क्या आ गया, लोग एक्स इंटू लोग एफ एक्स क्या आ गया, लोग एक्स प्लस लोग एफ एक्स प्लस इक्वल टू ये आ गया जी एक्स प्लस वन, जी एक्स प्लस वन सही, और यहां से लोग एफ एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, यहां से लोग एफ एक्स की वैल्यू यहां से एक ही है, लोग एफ एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा यहां से जी एक्स, क्या रखूंगा यहां से जी एक्स, तो क्या आ गया जी एक्स प्लस वन इक्वल टू माइनस प्लस लोग एक्स प्लस के लोग एक्स इक्वल टू जी एक्स, क्या आ गई है जी एक्स आ गई, तो एफ एक्स लोग एक्स की वैल्यू क्या आ गई है जी एक्स आ गई, क्या आ गई है जी एक्स, और ये माइनस माइनस है ये, तो ये क्या आ गया जी एक्स प्लस वन, जी एक्स प्लस वन माइनस जी एक्स इक्वल टू लोग एक्स, ये आ गया जी एक्स प्लस वन माइनस जी एक्स इक्वल टू लोग एक्स, ये इतना ही रख दो यार, जी एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या दो, हाँ ठीक है लोग एफ एक्स की वैल्यू जी एफ ही आ रही, ठीक है जी एक्स प्लस वन इक्वल टू मैंने जी एफ इक्वल टू एक ही लिखने वाली मैंने दी, अगर कहीं भी इनकी जरूरत पड़ी तो इनको मैं जो है कॉल कर लूंगा, अब इसमें जी एक्स प्लस वन में क्या मान लीजिए एन एक्स को क्या क्या कर सकता हूँ मैं, रिप्लेस कर सकता हूँ क्या, क्या रिप्लेस कर लू एक्स एक्स इक्वल टू एक्स बाई एन प्लस हाफ, क्या कर सकता हूँ एक्स प्लस वन क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, क्या कर लू रिप्लेस एक्स बाई एक्स बाई एक्स प्लस हाफ, क्या एक्स एक्स बाई एक्स माइनस हाफ रिप्लेस कर, एक्स को क्या रिप्लेस कर दू रिप्लेस एक्स बाई एक्स माइनस हाफ, एक्स को देखो ये मुझे चाहता है यहां एन प्लस हाफ, तो ये क्या रहता है जी एक्स हाफ एक्स, जैसे ना ये आ जाएगा कि देखो ये आएगा एक्स प्लस एक्स माइनस हाफ प्लस वन, प्लस हाफ प्लस वन माइनस हाफ क्या आएगा एक्स प्लस हाफ, क्या आएगा प्लस हाफ क्या आएगा, और यहां से एक्स इक्वल टू क्या आएगा, यहां से क्या आएगा ये माइनस के हाफ आएगा, क्या आएगा ये एक्स माइनस हाफ रख के एक्स रख के क्या आएगा माइनस हाफ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये एक्स क्या आ जाएगा जी जी
चाहते हैं जी एक्स प्लस हाफ माइनस जी एक्स माइनस हाफ इक्वल टू लॉग एक्स माइनस के हाफ, ये आ जाएगा लॉग एक्स माइनस के हाफ। अच्छा ये क्या आ जाएगा, इसमें से थोड़ा सा फोर सोल्व कर लेते हैं, जी एक्स प्लस हाफ माइनस जी एक्स माइनस हाफ इक्वल टू ये क्या लॉग टू एक्स माइनस वन अपॉन टू, इधर की मल्टीप्लिकेशन के लिए टू एक्स माइनस वन अपॉन टू, एक बार कर लिया जी एक्स प्लस हाफ इक्वल टू माइनस जी एक्स माइनस हाफ इक्वल टू ये क्या जाएगा लोग एम प्लस लोग एल, क्या जाएगा लोग एम माइनस लोग एल लोग टू एक्स माइनस वन माइनस के लोग जी एक्स प्लस हाफ क्या आएगा जी एक्स प्लस हाफ माइनस जी एक्स माइनस हाफ इक्वल टू क्या आएगा लोग टू एक्स माइनस वन माइनस के लोग टू। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लिए, एक बार डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा डिफरेंशिएट करके जी डैश एक्स प्लस हाफ माइनस जी डैश एक्स माइनस हाफ इक्वल टू लॉग टू एक्स प्लस वन, यानी लॉग वन अपॉन टू टू अपॉन टू एक्स प्लस वन आ गया, टू एक्स माइनस वन आ गया। एक बार डिफरेंशिएट करा लॉग एक्स का क्या आता है फॉर्मूला वन अपॉन एक्स आता है, एक बार उसका डिफरेंशियल करा कौन डिफरेंशियल अगेन डिफरेंशियबल करा जी डैश का क्या आ जाइए जी डबल डैश एक्स प्लस हाफ माइनस जी डबल डैश एक्स माइनस हाफ ये क्या आ गया देखो भाई ये टू वन अपॉन एक्स का क्या आता है डिफरेंशियबल वन अपॉन एक्स का क्या आता है माइनस के वन अपॉन एक्स का स्क्वायर और टू एक्स का एक चेन में फिर टू एक्स का टू आ जाएगा तो क्या आएगा माइनस फोर अपॉन टू एक्स माइनस वन का होल किया जी डैश एक्स प्लस हाफ माइनस जी एक्स माइनस हाफ। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं एन की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं यहां एक्स की वैल्यू वन टू थ्री फोर एन सब्स्टिट्यूट क्या कर सकता हूं मैं सब्स्टिट्यूट एक्स की वैल्यू क्या करता हूँ वन टू थ्री एंड सो ऑन एक्स की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर लू मैं क्या कर लू एक्स की वैल्यू इसमें ये क्या आएगा वन प्लस हाफ टू प्लस हाफ इस तरह वन माइनस वन हाफ ये क्या आएगा और इधर क्या आएगा माइनस फोर ये देखो इधर तो ये देखो अब जब इसको ये सब्स्टिट्यूट करूंगा जब इसको प्लस करूंगा ये तो वन वन टू थ्री आएगा ये हेल्थ में जब वन माइनस वन बाई टू टू माइनस वन बाई टू तो ये सारे सारे कट से आएंगे तो ये जी डॉट हाफ क्या जी डैश हाफ बचेगा तो ये कहां तक करता हूं इसको ठीक क्या करा जी एक्स इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स इक्वल टू लोग तो मैं सब्स्टिट्यूट करके इनको ऐड करूंगा सब्स्टिट्यूट करके क्या ऐड करूंगा तो क्या आएगा ये जी डबल डैश एक्स प्लस हाफ माइनस जी डैश जी डबल हाफ ये आ जाएगा इक्वल इक्वल टू देखो भाई माइनस फोर जो है बाहर की फॉर्म जाएगा यहां से क्या आ जाएगा अंदर से ये सीरीज बन जाएगी क्या आ जाएगी
ये क्या चीज बन जाएगी यूट्यूब में? ये क्या सीरीज बन जाएगी -4 1 + 1/2 1 + 1/2 1 + 1/2 फिर क्या आ जाएगी ये? टू टू पावर 3 और टू टू एंड -1 का इक्वल यस क्या है? 1 1 / 2 जब एन की वैल्यू क्या रखी? 1 1 1/1 1 1 की वैल्यू 2 रखी, 2 2 2 4 -1 3 का स्क्वायर क्या है? ये क्या है? 3 का स्क्वायर। फिर क्या आएगा यहाँ? ये जब 3 का कुआं 3 2 6 6 में से बन गया 5 का स्क्वायर क्या आएगा? ये आएगा 5 का स्क्वायर। ये क्या आएगा? -4 1 + 1/9 + 1/25 2 n - 1 का और स्क्वायर तो यही इसकी वैल्यू आ गई 1 + 1/4। जब इसको सबको है ना, जब इसको सबको ऐड करूंगा ये तो जाएगा 3 x की वैल्यू की रखिए n + 1/2 2 n जो आ जाएगा माइनस के ये हाफ ये डबल डैश हाफ आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो भाई एक कोई फंक्शन था मेरा वाई इक्वल टू एक्स लोग एक्स कोई फंक्शन था, ये डिफरेंशियल चेक करना था कि एफ एक्स प्लस वन इक्वल टू एफ एक्स पे एन इक्वल टू ये था फंक्शन। अब मैंने क्या कहा है कि वैल्यू निकालनी है, जी डबल डैश एन प्लस हाफ माइनस जी डबल डैश हाफ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जी एक्स इक्वल टू क्या आ गया? लोग एफ एक्स आ गया। तो इसको लोग इसे क्या आ जाएगा फाइनेंशियल में लिख के आगे एफ एक्स इक्वल टू ई पावर जी एक्स और एफ एक्स प्लस वन इक्वल टू ई पावर जी एक्स प्लस वन के 1 आ गया। और एफ एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या है? एक्स 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 दे रखी, ये दे रखी फंक्शन, इसे यहाँ ये इसे यहाँ ये कर दिया हमने, ये एक्स एक्स एफ एक्स इक्वल टू ई पावर जी एक्स 3 का मैंने क्या ले लिया? लोग ले लिया, लोग एम प्लस एन लोग एम एन आ गया, लोग क्या आ गया? लोग एक्स प्लस लोग एक्स प्लस लोग एफ एक्स प्लस लोग जी एक्स प्लस वन क्या आ गए? ये लोग एक्सपोनेंशियल है, ये क्या आ गया? ये खत्म हो जाएगा जी एक्स प्लस वन आ जाएगा जी एक्स प्लस वन माइनस के इसे इधर लिया लोग एक्स इक्वल टू लोग एफ एक्स और ये जो है लोग एक्स की वैल्यू क्या है? जी एक्स है क्या है? इसकी वैल्यू जी एक्स रख दी क्या रख दी उसकी जी एक्स रख दी वहां से लोग एक्स जी एक्स इक्वल टू क्या आ गया ये आ गया जी एक्स प्लस वन इक्वल टू जी एक्स। अच्छा और मुझे ये चाहता ही है ये चाहता है x की वैल्यू मैंने क्या कर दी n x प्लस हाफ प्रूव कर दी। x की वैल्यू क्या प्रूव कर दी? x की जगह मैंने x हाफ क्या कर दी? x की जगह क्या प्रूव कर दिया? क्या पुट कर दिया x की जगह? x माइनस हाफ। x की जगह क्या करूंगा? x माइनस हाफ ये आ गया। और जब मैंने इसकी दोबारा डिफरेंशिएट करा और इसको जो है जब मैं ऐड करूं जब इसको सबको ऐड कर लिया तो ये आ गई इसकी वैल्यू 1 + √3 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर ठीक है भाई। तुम्हें बात आगे देखते हैं
क्या है, एक फंक्शन है, ये क्या है, लेट ए फंक्शन एफ एज डिफाइंड इन द ओपन इंटरवल। तो ये एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन है, ये डिफाइंड है ओपन इंटरवल ए बी। लेट लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन इज डिफाइंड एन ओपन इंटरवल ए बी इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव इन ओपन इंटरवल इज सेड टू बी डिफरेंशियल इक्वेटी वो इन ओपन इंटरवल इफ ईच पॉइंट ऑफ ए बी। अगर ये ईच पॉइंट डिफरेंशियबल हो, ईच पॉइंट ऑफ इज सेड टू डिफरेंशियबल इफ सेड टू बी डिफरेंशियबल इफ इट इज डिफरेंशियबल इफ इट इज इफ इफ इज एट every point of a b, हर एक ओपन इंटरवल के एक, अगर एक फुल फंक्शन है, ये फंक्शन एफ एक्स है, ये डिफरेंशियबल है किस पॉइंट पे, ए बी पे। लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन इज ए बी इज टू बी डिफरेंशियबल ऑन द एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी, तभी डिफरेंशियबल होगा, अगर ये जो है हर एक पॉइंट पे डिफरेंशियबल होगा। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, ये फंक्शन एफ एक्स है, ये डिफाइंड है क्लोज इंटरवल पे, ये लेट एफ एक्स, ये क्या है, ये है ओपन इंटरवल, एफ एक्स जो है ओपन इंटरवल पे जो है डिफाइंड है। अब जो है एफ एक्स किस पे है, क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है, एफ एक्स इज लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिव ऑन डेरिवेटिव एट द एंड पॉइंट ऑफ ए बी। ये क्या होगा, एट द एंड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, एट द एंड पॉइंट ऑफ ए एंड बी इट इज डिफरेंशिएबल फॉर द लाइन रन फ्रॉम द डैश लाइन, इट डिफरेंशिएबल फ्रॉम द डैश फ्रॉम द राइट ए इज डिफरेंशिएबल इट differentiable it differentiable from the right a, it differentiable from the right a and from left is देखो क्या रहे। अगर कोई फंक्शन है, क्या है, लेट एफ एक्स कोई फंक्शन है ए बी इज ओपन इंटरवल पे, लेट एफ एक्स कोई फंक्शन है ओपन इंटरवल पे, ये डिफाइंड है इस पे हर एक पॉइंट पे, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल होगा, और इसके सिर्फ दो पॉइंट पे कह रहे ए है, क्या है ए पे, राइट टू ए होगा, और इसमें क्या है डेफ टू बी, इन दोनों पॉइंट पे, तो ये क्या होगा, क्लोज इंटरवल ये डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल क्या रहेगा, इसका मतलब ये क्या रहेगा, यानी एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू ए प्लस और लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस, ये क्या रहेगा एफ एक्स माइनस एफ ए एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए, ये क्या आएगा एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये आएगा एफ बी एफ एक्स माइनस एफ बी अपॉन एक्स माइनस बी, क्या आ गया भाई, देखो ये कोई फंक्शन है एफ एक्स है, ये इस ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है, इसमें लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन इज द इंटरवल ए बी सेटिस्फाई देन डिफरेंशिएबल डिफाइंड ऑन द और ईच इट इज टू मी इट इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल ईच पॉइंट ऑफ ए बी को, अभी इस तरह का है ये डिफरेंशिएबल कहलाएगा ये, और अगर एफ एक्स जो है
जो भी फंक्शन है वो डिफाइंड है क्या पे, क्लोज इंटरवल ही पे। अच्छा ये डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा, अगर डिफरेंशिएबल टू द एंड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी यानी ए के क्या है मां, ए के राइट मां और बी के क्या है फ्रॉम द लेफ्ट, ए टू राइट, ए टू राइट, ए टू राइट क्या है ये मतलब यही है कोई फंक्शन है, यहां यहां ये ए है यहां बी है इस पॉइंट पे, तो इसकी तरफ ये कन्वर्ज करेगा यानी ये ए और टू ये, और ये फंक्शन बी है ये बी इधर जाएगा तो ये गया बी माइनस, तो इस फंक्शन पे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ए पॉजिटिव और एक्स टेंड्स टू बी पॉजिटिव पे इसकी फंक्शन की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी आ जाएगी। ठीक है भाई आगे बढ़े, तो ये कहती है थ्योरम क्या है, एक तो ये क्लोज इंटरवल पे है और ये क्या है ओपन इंटरवल पे, ये क्वेश्चन लगाते हैं देखो भाई अभी, जैसे मान ले एक क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू ये घर से लगा के जाना है, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन मोड एक्स, वन अपॉन मोड एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन टू, एक्स इज ग्रेटर देन टू, एक्स इज ग्रेटर देन टू ये ए एक्स नाइन एक्स स्क्वायर प्लस बी नाइन एक्स स्क्वायर प्लस बी इफ एक्स इज एक्स इज लेस देन टू, इफ डिफरेंशिएबल इफ डिफरेंशिएबल एक्स बिलोंग टू आर, इस पे इस फंक्शन पे डिफरेंशिएबल है एक्स बिलोंग्स टू आर देन इसकी वैल्यू निकालनी है, देन 48 ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द 48 प्लस बी। देखो भाई वही है इसके जो है इसका, अच्छा पहले मैं जो है अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है डिफरेंशियबल अगर है तो कंटिन्यूटी कर लो, कंटिन्यूटी में क्या होता है ये किसके फंक्शन में ब्रेक हो रहा है, दो पे क्या ब्रेक हो रहा है, दो पे ब्रेक क्या निकाल लो मैं पहले की एल एच निकाल लो, क्या निकाल लो पहले की क्या निकाल लो भाई, फंक्शन है एल एच एल ये फंक्शन है, क्या फंक्शन है एफ एस इक्वल टू वन अपॉन वन एक्स, क्या है कि एक्स जो कि एक्स इक्वल टू टू पे ब्रेक हो रहा है, एक्स इक्वल टू टू पे क्या कर लो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हो, क्या कर लेता हूँ इसकी अगर ये अगर डिफरेंशियल निकालने है तो कंटिन्यूस फंक्शन होगा, कंटिन्यूस होगा तो क्या निकाल दो एल एच एल इक्वल टू क्या होगा आर एच एल, एक इक्वेशन मुझे ये क्या मिल जाएगी यहाँ से मिल जाएगी, फिर एक एक क्या डिफरेंशियबिलिटी की क्या होना चाहिए मुझे एल एच डी बराबर आर एच डी, एल एच डी बराबर आर एच डी, लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू आर एच डी, ट्वेंटी लिमिट एक यहाँ से फंक्शन आ जाएगा एक यहाँ से आ जाएगा, इसमें ए बी की क्या आएगी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी इसमें ए बी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जैसे अगर मान लिया कि लिमिट की वैल्यू निकालनी हो लिमिट एफ टू की इक्वल आ जाएगी भाई, अगर यहाँ से एफ टू की वैल्यू निकालनी हो यहाँ से क्या जाएगी वन अपॉन टू आ जाएगी, वन अपॉन टू एक्स इक्वल टू टू क्या जाएगी वाले। अच्छा और यहाँ पे
इसको जो है इसको निकाल लूंगा, मान लिया कैसे हो, अगर मान लिया एफ एक्स की फंक्शन मान लिया जाए, एफ एक्स फंक्शन मान लिया जाए, क्या माना जाए, एफ एक्स फंक्शन मान लिया जाए, ये ए ही मान लेते, क्या मान लेते, ए मान लिया, फंक्शन मान लेते, इसका एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, इसका टू ए एक्स, इसका डिफरेंशियल क्या आ गया, चार ए एक्स अपनी तरफ से मान लिया, चार ए एक्स क्या मान लेगा, चार ये टू ही है, चार ए एक्स आ जाएगा, क्या जाएगा, ये चार ए एक्स आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर का मतलब क्या जाएगा, टू ए एक्स, ये है ना जी वाई ऑफ डी एक्स ए एक्स स्क्वायर, ये जाएगा टू ए एक्स, क्या आ जाएगा, ये टू ए एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, और इसी वैल्यू पर एफ डैश हाफ पे निकाल लूंगा, क्या निकाल एफ डैश हाफ पे क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, एफ डैश टू पे, एफ डैश टू पे क्या आएगी, टू मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई टू, कितना आएगा, फोर ए क्या आएगा, ये फोर ए, फोर ए इसकी लिमिट की इक्वल हो जाएगी, फोर ए इक्वल टू क्या आएगा, ये आ जाएगा फोर ए, तो इस तरह जो है हम जो है इसकी इसकी जो है एल एच एन और आर एच एन निकाल के, इस तरह जो है फंक्शन जो है इसकी एफ डैश जो एफ डैश लिमिट कुछ आ गई, फिर इस तरह क्या है, क्योंकि ये वन अपॉन एक्स है जो माइनस में आ जाएगी, क्या आएगी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये आ जाएगी, तो इस क्या आएगी माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन फोर, ये दोनों के एक्स इक्वल टू टू पे, ये एक्स इक्वल टू टू पे आ गई, ये दोनों इक्वल होंगी, तो फोर ए इक्वल टू वन अपॉन फोर, फोर ए इक्वल टू क्या आ जाएगी वन अपॉन फोर ए आएगी, फोर ए इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर, यहाँ पे फोर ए इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर, यहाँ दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिक्सटीन ए इक्वल टू माइनस वन, ए इक्वल टू माइनस टू वन अपॉन फिफ्टीन, ये आ जाएगी, तो इस तरह हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को कॉल करते हैं आंसर है, ठीक है भाई, तो ठीक है आज के लिए इतना ही है, कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।